हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन लिस्ट देखेंगे और साथ में देखेंगे कि पाइथन लिस्ट के साथ में हम जो अलग अलग मेथड है या फंक्शंस हैं, जैसे कि रिमूव, अपेंड, एक्सटेंड, पॉप और प्लस ऑपरेटर का किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिस्ट इज ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। दिस मीन दैट द सम इंस्टेंस ऑफ लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड टू एड, अपडेट एंड रिमूव आइटम्स। लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक इस तरह का उदाहरण है कि जिसमें जो लिस्ट के जो आइटम होते हैं, जो लिस्ट के आइटम होते हैं, उसको आप एड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लिस्ट कैन बी एम्प्टी और मेड अप ऑफ आइदर होमोजीनियस आइटम, मीन्स सेम डेटा टाइप्स, और हेटरोजीनियस आइटम्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट एक एम्प्टी सेट हो सकता है, या फिर ये होमोजीनियस जो आइटम होते हैं, जिसमें सारे के सारे जो डेटा आइटम होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, या फिर हेटरोजीनियस आइटम भी का भी हो सकता है, जिसमें उसके जो आइटम होते हैं वो सेम टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, और उसका जो डेटा स्ट्रक्चर भी, या तो जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट टाइप का भी होगा, या उसका डेटा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। लिस्ट आर इटरेबल ऑब्जेक्ट। दिस मीन दैट यूजर कैन लूप द आइटम इन द लिस्ट फ्रॉम फर्स्ट थ्रू लास्ट आइटम और वाइस वर्सा। लिस्ट एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र लूप के द्वारा इसके आइटम को जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट से उसके लास्ट एलिमेंट तक उसको लूप के द्वारा उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकता है, मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। मोस्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इंडेक्स इन द लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द जीरो पोजिशन। अधिकांश जो पाइथन के ऑब्जेक्ट होते हैं, जब उसका लिस्ट के हम इंडेक्स एलिमेंट की बात करते हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो जीरो पोजिशन से स्टार्ट होता है, मतलब जो इसके इनिशियल स्टार्टिंग होगी वो जीरो से होगी और वो एन माइनस वन तक उसको एलिमेंट को डिफाइन करेगा। दिस मीन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट विल बी जीरो। बिलो लिस्ट एग्जाम्पल इज शोइंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट इन पाइथन। इसका मतलब ये होता है कि जो जो लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसका जो इंडेक्स इंडेक्स जो उसकी लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो होती है, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी, है ना। नीचे हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें लिस्ट जो पाइथन लिस्ट है उसको हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंट के थ्रू उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये एक आइटम है, आइटम हमने एक लिस्ट लिया है, इसके अंदर इसकी वैल्यू पास की हुई है। अब जब हम इसमें इसकी जो पोजिशन है, जब इसकी इंडेक्स पोजिशन हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग होगी जीरो से, जैसे 0 1 2 3 4, तो ये 10 तक जाएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 11 है, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा एन माइनस वन, एन माइनस वन एलिमेंट होगा अगर वो जीरो से स्टार्ट है। और अगर इस लिस्ट के अंदर हम उसके पीछे वाले पोजीशन से या उसके राइट पोजीशन से हम लेफ्ट पोजीशन की तरफ जाते हैं, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी पीछे से वो होगी माइनस वन से स्टार्ट होगी, से वो इंक्रीज होते जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस वन से स्टार्ट हुआ है, माइनस इलेवन तक गया। चेंजिंग लिस्ट। ए लिस्ट कैन बी सीन एज ए स्टैक। एक लिस्ट को हम एक स्टैक मान लेते हैं। ए स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच हैज एटलीस्ट टू ऑपरेशन। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके एटलीस्ट दो ऑपरेशन है, वन
विच कैन बी यूज टू पुट और पुश डेटा ऑन द स्टैक। एक ऑपरेशन है जिसमें हम डेटा को स्टैक के अंदर डालने या उसको पुश करने के लिए उसका यूज करते हैं। अनदर वन टू टेक अवे द मोस्ट अपर एलिमेंट ऑन द स्टैक। और दूसरे ऑपरेशन में जो उसका जो जो सबसे मोस्ट अपर एलिमेंट होता है स्टैक का, उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं या दूर उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। द वे ऑफ वर्किंग कैन बी इमेजिन विथ ए स्टैक ऑफ प्लेट्स। स्टैक की वर्किंग को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि स्टैक एक प्लेट्स का स्टैक है। इफ यू नीड ए प्लेट यू विल यूजुअली टेक द मोस्ट अपर वन। अगर हमें कोई प्लेट की आवश्यकता होती है तो हम उसके जो सबसे टॉप अपर प्लेट होती है, जैसे यहाँ पे अपर प्लेट है, ये अपर प्लेट है, इसको यूज कर इसको इस प्लेट को हम वहाँ से उठा लेंगे। द यूज प्लेट विल बी पुट बैक ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक आफ्टर द क्लीनिंग। अगर इन प्लेट का यूज कर रहे हैं हम, जो प्लेट यूज कर रहे हैं, अगर इस प्लेट को हमने यूज किया है, उसको क्लीन कर लिया और वापस हम उसके टॉप पोजीशन के ऊपर वापस रख देंगे। अगर मान लो कि इस प्लेट ये प्लेट का सेट है, इसको स्टेक मान लिया, तो जब इसके ऊपर हम कोई एलिमेंट को रखेंगे तो इसके जो टॉप पोजीशन है इसके ऊपर हम स्टेक कोई इस प्लेट के ऊपर रखते जाएंगे। और अगर हम किसी प्लेट को यहाँ से उठाएंगे या रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो इसकी टॉप पोजीशन से हम उस प्लेट को उठा लेंगे। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट ए स्टैक लाइक डेटा स्ट्रक्चर, इट विल आल्सो सप्लाई एटलीस्ट टू ऑपरेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं सब स्टैक जैसे डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, और इसमें हम दो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। एक होता है पुश ऑपरेशन। दिस मेथड इज यूज टू पुट ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑन द स्टैक। इस मेथड के अंदर हम किसी न्यू ऑब्जेक्ट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं या डालते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट वी पुश द ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप और अटैच इट टू द राइट साइड। जैसे कि इसके जो है इसके व्यू के अनुसार या इसके दृष्टिकोण के अनुसार हम इसमें कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसको हम पुश ऑपरेशन के थ्रू इसके टॉप टॉप पोजीशन के ऊपर हम उसको इंसर्ट करते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो जो एलिमेंट है उसको हम उसके राइट साइड में अटैच करते जाते हैं। जैसे ये स्टैक है, इस स्टैक के अंदर अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा तो ये इसकी टॉप पोजीशन से इसका इंसर्शन होगा, उसको हम पुश ऑपरेशन बोल कहेंगे। पाइथन डज नॉट ऑफर्स कॉन्ट्रेरी टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नो मेथड विथ द नेम पुश, बट द मेथड अपेंड हैज द सेम फंक्शनैलिटी। पाइथन के अंदर एक कॉन्ट्रोडक्टरी है, या फिर ये बोल सकते हैं एक तरह का विरोध है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में। इसमें कोई भी ऐसी मेथड नहीं है जिसका नाम पुश हो, मतलब पुश नाम की कोई भी इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है। इसमें हम इसके अंदर जब कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है तो हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही यूज़ होता है जैसे कि पुश, जो पुश मेथड यूज़ होती है उसकी जो फंक्शनैलिटी, अपेंड मेथड की जो फंक्शनैलिटी है वो पुश मेथड के समान होती है। तो जब इस स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो हम पुश की जगह जो पुश ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। पॉप मेथड। दिस मेथड रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये मेथड जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है। द ऑब्जेक्ट विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक एज वेल।
ये स्टैक का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिमूव करता है। जैसे मान लो कि ये स्टैक है, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है जैसे ये थ्री है, तो जब हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इस थ्री को ये रिमूव कर देगा। पीक सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड अनदर मेथड विच कैन बी यूज टू व्यू व्हाट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग दिस एलिमेंट। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अनदर मेथड को यूज़ करती है, जिसमें हम जिसका यूज़ हम ये देखने के लिए करते हैं कि जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो क्या होगा। इसमें हम जो जो टॉप एलिमेंट उसको रिमूव नहीं करते हैं और उसके एलिमेंट को हम देख लेते हैं, जो भी उसका टॉप एलिमेंट है उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो थ्री है स्टैक का टॉप एलिमेंट है, तो हम पिक मेथड के द्वारा उसको देख सकते हैं। दिस द पाइथन लिस्ट क्लास डज नॉट पॉजिस सच ए मेथड बिकॉज इट इज नॉट नीडेड। पाइथन जो लिस्ट क्लास होती है इसमें इस मेथड का कोई यूज भी नहीं होता है और इसकी कोई इसको आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। पॉप एंड अपेंड मेथड। अपेंड मेथड, दिस मेथड अपेंड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। इस मेथड के द्वारा जो लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को अपेंड करते हैं, या उसमें जो उसके लिस्ट होती है उसके लास्ट लास्ट में एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट ली है, लिस्ट के अंदर पैरामीटर पास किया 3, 5 एंड 7, ये इसके लिस्ट के एलिमेंट हैं। देन इस लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड का यूज़ किया है और लिस्ट डॉट अपेंड हमने इसमें पास कर दिया है 42। तो जब इसको आप अपेंड करेंगे और उसके बाद जब इस लिस्ट को जो हमने लिस्ट लिया है इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट ये मिल जाएगा, और जो हमने एलिमेंट अपेंड किया था वो लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो जाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द अपेंड रिटर्न नन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि अपेंड कब रिटर्न नन करता है। इन अदर वर्ड इट इज यूजली डजंट मेक सेंस टू रीअसाइन द रिटर्न वैल्यू। जब हम क्या करते हैं कि लिस्ट को रीअसाइन करते हैं, कोई वैल्यू वापस रीअसाइन करते हैं, तो यह इसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा नन। जैसे यहाँ पे लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट पास कर दिए, अब लिस्ट डॉट अपेंड हमने जो लिस्ट लिया है उसके अंदर 42 को एलिमेंट को हमने इसमें अपेंड किया है, और इसकी अगेन हमने इसकी वैल्यू लिस्ट को असाइन कर दिया है। तो जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा नन। ये नन को रिटर्न करेगा। जब आप किसी भी लिस्ट को वापस रीअसाइन करते हैं तो वो उसकी वैल्यू नन असाइन कर देता है। ओके, पाइथन सेल पे देखते हैं। हमने एक लिस्ट ले लेते हैं, इसमें पास कर दिया हमने 3, 4, 7। अब इस लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड का यूज करेंगे और उसमें पास कर देंगे हम 42। लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं, ये डिस्प्ले हो गया। वैसे अगेन हम इसमें वैल्यू पास करते हैं, तो जो वैल्यू है उसके लास्ट में ऐड होते जाएगी। अगर इसी को हम वापस किसी लिस्ट के अंदर इसकी वैल्यू को असाइन करते हैं,
इसमें पास कर दिया 70। जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, ये नन रिटर्न करेगा। नाउ पॉप मेथड, पॉप रिटर्न द आईथ एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। द एलिमेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट एज वेल। जब हम पॉप को यूज करते हैं तो इसका जो आईथ एलिमेंट होता है, जैसे इसमें हमने आई एलिमेंट पास किया है, तो उस एलिमेंट को ये उसको डिस्प्ले करता है, साथ ही साथ उसको उस लिस्ट में से उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे लिया है सिटी, एक लिस्ट ले लिए, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में पास किए हैं, जैसे दिल्ली, इंदौर, मुंबई और झाबुआ, ये लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे पास किया है लिस्ट डॉट पॉप, पॉप मेथड को यहाँ पे कॉल किया है, और ये वैल्यू हमने जो जीरो पास किया है, तो जो लिस्ट की इनिशियल स्टार्टिंग होती है जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, इस तरह से इसके लिस्ट के एलिमेंट होते हैं। तो जब हम पॉप जीरो करेंगे, जीरो एलिमेंट को इसमें पास करेंगे, तो जो इसका आउटपुट होगा ये इसको डिस्प्ले करेगा, इसके जीरो पोजीशन के बाद दिल्ली है, तो इसको दिल्ली को डिस्प्ले करेगा और उसको डिलीट कर देगा। और फिर जब हम इस लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो ये इसके रिमेनिंग एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। फिर अगेन हमने लिस्ट को लिया, अब इसमें हमने लिस्ट का जो एलिमेंट है इसको पॉप किया, पॉप वन किया, पॉप वन कर रहे हैं, तो ये जो इसके जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसको रिमूव करेगा। तो जब इसको आप लेंगे तो इसने इसमें जैसे लिस्ट में जो फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर है तो उसको रिमूव कर दिया, और जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये इसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। अब रिमेनिंग जो लिस्ट का एलिमेंट है वो मुंबई और झाबुआ है। फिर अगेन हमने लिया, अब लिस्ट के अंदर हम उसके जो सेकंड एलिमेंट, जो उसका जो सेकंड एलिमेंट मतलब जो है उसका थर्ड एलिमेंट, उसको हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं। तो अब इसमें जैसे ही आप इसको रिमूव करने जाएंगे तो अब ये सेकंड पोजीशन जो हमने इसमें पास कर रहे हैं, क्योंकि जब इसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग करेंगे तो ये यहाँ पर एरर देगा, एरर एक्सेप्शन आ जाएगा, इंडेक्स एरर एक्सेप्शन। ओके, पाइथन सेल पे हमने सिटीज़ ले लिया, सिटीज़ के अंदर हमने उसकी वैल्यू पास कर दी। अब इसमें कहते हैं सिटीज़ डॉट पॉप, सबसे पहले हम जीरो एलिमेंट को डिलीट करेंगे, इसमें रिमूव करेंगे, इसमें जो इस पोजीशन के ऊपर जीरो पोजीशन के ऊपर दिल्ली है, अब इसको डिस्प्ले करेंगे, तो ये जो उसकी रिमेनिंग जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले कर दिया। अगेन इसमें से डिलीट करते हैं हम, पॉप वन किया हमने, तो इसने जो इसकी पोजीशन है, अब इसकी पोजीशन पॉप वन किया है तो ये इस पोजीशन के ऊपर आ गया, क्योंकि लिस्ट की इनिशियल वैल्यू चेंज होके इस पोजीशन पर आ गई। अब यहाँ पे जो इंदौर था पहले फर्स्ट, ये फर्स्ट पोजीशन पे था, अब इसकी पोजीशन जीरो हो गई है। अब इसके बाद हमने इसको पॉप वन किया तो इसने मुंबई को रिमूव कर दिया। अब लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं, तो ये डिस्प्ले हो गया। अब वैसे ही हम करते हैं सिटीज डॉट पॉप, टू किया मैंने पॉप, अब इसमें सेकंड पोजीशन नहीं है तो ये एरर देगा, ये इसने एरर डिस्प्ले कर दिया। अब हम एस डॉट पॉप मेथड का यूज करेंगे। दिस मेथड पॉप कैन बी कॉल्ड विदाउट एनी आर्गुमेंट। जो प्रीवियस मेथड हमने यूज की थी उसमें हमने आर्गुमेंट पास किया था, इस मेथड में हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। इन दिस केस द लास्ट एलिमेंट विल बी रिटर्न, सो एस डॉट पॉप इज इक्वलेंट टू एस डॉट पॉप माइनस माइनस वन। ये जो हम एस डॉट पॉप मेथड को यूज कर रहे हैं ये इक्वलेंट होती है एस डॉट पॉप माइनस वन, क्योंकि लिस्ट में जब
लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे इस मेथड से, तो ये जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा तो उसके लास्ट एलिमेंट को इसमें से रिमूव करेगा। देखते हैं नाउ, यहाँ पे सिटी ले लिया, सिटी पास किया है, सिटी के अंदर हमने उसके एलिमेंट पास कर दिए, जैसे दिल्ली, इंदौर, मुंबई एंड झाबुआ। अब जो इसका जो लास्ट एलिमेंट है इसमें वो है झाबुआ। जब हम पॉप मेथड को यूज़ करेंगे, सिटी डॉट पॉप मेथड, तो ये जो इसका लास्ट एलिमेंट है झाबुआ उसको इसमें से रिमूव कर देगा। और जब सिटी को आप डिस्प्ले करेंगे तो ये रिमेनिंग एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। फिर अगेन सिटी को लिया, फिर हमने सिटी डॉट पॉप किया, पॉप मेथड को यहाँ पे यूज़ किया है, तो अब इसका जो लास्ट एलिमेंट है आपका मुंबई, तो उसको इसमें से रिमूव करेगा। जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये जो इसके रिमेनिंग एलिमेंट है जो लिस्ट के वो उसको डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि इसमें जो मुंबई था वो पॉप हो गया है। फिर अगेन हमने सिटी के अंदर लिस्ट जो एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास दिल्ली और इंदौर है, और फिर हम पॉप कर रहे हैं, पॉप मेथड का यूज़ किया है, तो जब पॉप मेथड करेंगे तो इसके जो लास्ट एलिमेंट उसको रिमूव कर देगा। देन सिटी को डिस्प्ले करेंगे, देन पॉप जैसे आप इसको इसका आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले कर देगा जो इसका रिमेनिंग एलिमेंट है वो दिल्ली है। फिर अगेन हमने यहाँ पे लिया सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, देन जैसे फिर हम इसको पॉप करेंगे, अभी इसमें एक ही एलिमेंट है तो ये दिल्ली को रिमूव कर देगा। फिर हम जब सिटी को डिस्प्ले करेंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले करेगा। पाइथन सेल पे देखते हैं, सिटी हमने ले लिया, इसमें वैल्यू पास कर दिए, अब इसमें पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो जब ये पॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो जो ये लास्ट एलिमेंट से उसको रिमूव करता है, जैसे यहाँ पे जो इसका लास्ट एलिमेंट झाबुआ है तो इसको रिमूव करेगा, इसको डिस्प्ले करते हैं। फिर अगेन इसी को हम अप्लाई करते हैं, इसने मुंबई को रिमूव कर दिया, तो सिटी को डिस्प्ले करते हैं, फिर अगेन पॉप करेंगे, इसने इंदौर को रिमूव कर दिया, अगेन सिटी को डिस्प्ले करेंगे, फिर अगेन पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब जो लास्ट एलिमेंट है इसमें दिल्ली, इसको रिमूव कर दिया, अब इसको डिस्प्ले करेंगे हम, सिटी को डिस्प्ले करते हैं, ये आ गया एम्प्टी लिस्ट। इसके बाद अगर हम फिर से इसको पॉप ऑपरेशन करेंगे तो ये एरर देगा। एक्सटेंड मेथड, वी सॉ दैट इट इज इजी टू अपेंड एन ऑब्जेक्ट टू ए लिस्ट। हमने देखा कि जो अपेंड मेथड है उसको अपेंड मेथड के द्वारा हमने आसानी से जो ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट के अंदर हमने अपेंड कर दिए या इंसर्ट कर दिए। व्हाट अबाउट एडिंग द मोर देन वन एलिमेंट टू ए लिस्ट? क्या होगा जब हमको एक से अधिक एलिमेंट किसी लिस्ट में ऐड करना हो? मे बी यू वॉन्ट टू एड ऑल एलिमेंट टू अनदर लिस्ट टू योर लिस्ट। मतलब इसमें ये कर सकते हैं कि हम जो सारे एलिमेंट हैं उसको किसी दूसरी लिस्ट में लेके हम उसको जो हमारी लिस्ट है उसमें ऐड करें। इफ यू यूज अपेंड द अदर लिस्ट विल बी अपेंड एज ए सब लिस्ट एज वी कैन सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अगर हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं तो जब हम इस अदर लिस्ट को अपेंड करेंगे तो वो सब लिस्ट बन जाएगा, मतलब जब एलिमेंट को अपेंड करेंगे तो वो सब लिस्ट हो जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये एक हमने लिस्ट लिया है, इसके एलिमेंट पास कर दिए हमने, अब इस लिस्ट के साथ में हमने एक और लिस्ट ले लिए जिसको लिस्ट में भी एलिमेंट पास किए। अब इस लिस्ट के साथ में हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं और लिस्ट को पास कर देते हैं पैरामीटर के रूप में। तो जब आप इस लिस्ट को इसके साथ में अपेंड करेंगे और जब इस लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो
तो जो इसका आउटपुट होगा ये पहली लिस्ट के एलिमेंट होंगे और ये दूसरी लिस्ट के एलिमेंट होंगे, लेकिन ये इसकी सब लिस्ट बन जाएगा। वॉट वी वॉन्ट टू एकम्प्लिस द फॉलोइंग, हम एक्चुअली क्या करना चाहते थे, हम लोग लिस्ट को इस तरह से बनाना चाहते थे, इसके जो लिस्ट के एलिमेंट है उसको इस तरह से हम इसको डेवलप करना चाहते थे। फॉर दिस पर्पस पाइथन प्रोवाइड द मेथड एक्सटेंड, अगर आपको इस तरह की लिस्ट को डिज़ाइन करना है तो इसके लिए पाइथन ने हमको एक्सटेंड मेथड को प्रोवाइड किया है। इट एक्सटेंड ए लिस्ट बाय अपेंडिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल लाइक ए लिस्ट ए टपल और ए स्ट्रिंग टू ए लिस्ट। अब लिस्ट मेथड का यूज़ करके हम जितने भी एलिमेंट है उसको हम जो लिस्ट के एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट को हम उसको लिस्ट के अंदर अपेंड कर सकते हैं, उसको इटरेबल फॉर्म में भी ले सकते हैं हम और उसको टपल के फॉर्म में भी ले सकते हैं और साथ ही हम स्ट्रिंग के फॉर्म में भी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कीवर्ड एक्सटेंड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, एक हमने लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट पास कर दिए, फिर सेकेंड लिस्ट ली उसके भी एलिमेंट पास कर दिए, देन हमने लिस्ट डॉट एक्सटेंड एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ किया है और इसमें हमने लिस्ट पैरामीटर पास कर दिया, जो लिस्ट सेकेंड पैर लिस्ट लिए उसके पैरा उसको पास कर दिया। तो जब हम लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो इस तरह से इसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, मतलब वो लिस्ट के जो एंड में है उस लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको ऐड कर देगा। एज वी हैव मैंशनड द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सटेंड डज नॉट हैव टू बी ए लिस्ट, हमने इसमें मैंशन किया है कि जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं एक्सटेंड के लिए है ना, वो एक्चुअल में लिस्ट नहीं है, लिस्ट के लिए वो लिस्ट नहीं होता है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इटरेबल, ये इसको किसी भी तरह से हम किसी भी तरह से उसको इटरेबल फॉर्म में हम उसको एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। दैट दैट इज वी कैन यूज टपल एंड ए स्ट्रिंग एज वेल, इसमें हम टपल को भी इसमें और स्ट्रिंग को भी इसमें हम एक्सटेंड के द्वारा उसको एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट लिया है, लिस्ट के जो एलिमेंट हमने पास किए हैं डीबी, ये अलग अलग हमने इसमें स्ट्रिंग पास किया है। अब एक और हमने लिस्ट ले लिया प्रोग्रामिंग अंडरस्कोर लैंग्वेज, इसमें ये जो पाइथन है पाइथन इसमें स्ट्रिंग है और ये लिस्ट है, लिस्ट को पास किया है। तो जब हम लिस्ट डॉट एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हैं और इसमें हमने पास कर दिया जो आर्गुमेंट या पैरामीटर है, ये जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्ट्रिंग पास की थी उसको पास कर दिया, और जब उसके बाद में हम इसको लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो ये आउटपुट इसका एक लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। नाउ विथ अ टपल, टपल के साथ देखते हैं, यहाँ पे हमने लिस्ट ले लिया, इसमें पास किया जावा सी और पीएचपी, ये हमने एक लिस्ट के एलिमेंट पास कर दिए। अब इसके अंदर हम टी एक टपल लिया है, टपल के अंदर हमने इसके अलग अलग इसके टपल के एलिमेंट पास कर दिए, हमने लिस्ट लिया एक्सटेंड टी, मतलब इसके जो लिस्ट के साथ में हमने एक्सटेंड मेथड का यूज़ किया और उसमें हमने पैरामीटर टी पास कर दिया, और जब हम इस लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो वो इस तरह से इसके जो लिस्ट के एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा। लिस्ट विथ द प्लस ऑपरेटर, देयर इज एन अल्टरनेटिव टू अपेंड एंड एक्सटेंड, प्लस कैन बी यूज टू कंबाइन द लिस्ट। ओके, जो अपेंड और एक्सटेंड मेथड का भी एक अल्टरनेटिव है जिसको हम प्लस ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया लेवल एक लिस्ट ले लिया और उसके अंदर लिस्ट के एलिमेंट पास कर दिए, फिर अदर अंडरस्कोर वर्ड्स ये को लिस्ट लिया और उसके एलिमेंट पास कर दिए। अब इन दोनों को हम प्लस ऑपरेटर के थ्रू ऐड कर रहे हैं, लेवल प्लस अदर वर्ड, तो जब इनको हम
ऐड करेंगे तो ये कॉनकेट ऑपरेशन को अप्लाई करेगा और इसका आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ये लिस्ट जो इसके जो एलिमेंट है वो आपस में कॉनकेट हो जाएंगे प्लस ऑपरेटर के द्वारा। इवन थ्रू वी गेट द सेम रिजल्ट, इट इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू अपेंड एंड एक्सटेंड। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं कि ये इसका जो रिजल्ट है वो लगभग सेम मिल जाता है, लेकिन ये जो अपेंड और एक्सटेंड मेथड है इसका अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिया, एक लिस्ट पास कर दी, लिस्ट के एलिमेंट पास कर दिए, फिर हमने अपेंड मेथड का यूज़ किया, उसमें जो है एलिमेंट 42 पास किया। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, 3, 4 एंड 42। ये हमने अपेंड मेथड के थ्रू किया है। फिर वैसे ही हम लोग एक बार फिर से इसको लिस्ट को लेते हैं और इसमें हम एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हैं, तो जो इसको डिस्प्ले करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो भी वैसे ही मिलेगा जैसा अपेंड में है। फिर हमने द आर्ग्यूमेंट असाइन प्लस इज इक्वल्स टू इज एन अल्टरनेटिव, ये हम प्लस ऑपरेटर के साथ में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट ले लिया, उसके एलिमेंट पास किए, देन हमने लिस्ट का जो एलिमेंट है प्लस इज इक्वल्स टू, हमने उसका 42, लिस्ट का जो एलिमेंट है 42 पास कर दिया। देन उसको जब कॉनकेट किया या उसको प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया और फिर इसके लिस्ट को डिस्प्ले किया, तो जो इसका आउटपुट होगा सेम है। यहाँ पे हमने तीनों आउटपुट हैं जो इसके सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों जो है ज़रूरी नहीं कि एक जैसे ही इनका जो परफॉर्मेंस हो या जो ऑपरेशन हो वो एक जैसा हो। ठीक है, कि हम इसको ये मान लें कि जो प्लस ऑपरेटर है वो अपेंड और एक्सटेंड मेथड का अल्टरनेटिव हो। रिमूव मेथड, रिमूविंग एन एलिमेंट विथ रिमूव, रिमूव मेथड का जब यूज करते हैं तो ये एलिमेंट को रिमूव कर देता है। इट इज पॉसिबल टू रिमूव ए सर्टेन वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट विदाउट नोइंग द पोजिशन विद द मेथड रिमूव। अब जब हम ये पॉसिबल है कि जब हम रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है लिस्ट की उसको डिलीट कर देता है, इसमें इसकी पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती कि किस पोजीशन को आपको डिलीट करना है। और जब हम रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं तो हम उसमें सीधे सीधे उसकी वैल्यू पास करते हैं, वो उसको रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे लिया, एस एक लिस्ट है डॉट रिमूव, रिमूव हमने मेथड यूज़ किया और उसमें हमने एक्स पैरामीटर पास कर दिया जिसको आपको इसमें रिमूव करना है। दिस कॉल विल रिमूव द फर्स्ट ऑक्यरेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द लिस्ट एस। इसमें जो है एक्स वो है जिसको आप लिस्ट के अंदर, जो फर्स्ट टाइम लिस्ट के अंदर विजिबल हो जाता है उसको लिस्ट से उसको रिमूव कर देगा। इफ एक्स इज नॉट इन द लिस्ट ए वैल्यू एरर विल बी राइज। अगर ये एक्स जिसको हम रिमूव कर रहे हैं अगर वो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो ये वैल्यू एरर देगा। वी विल बी कॉल द रिमूव मैथड 3 टाइम्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू द रिमूव द कलर ग्रीन। हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हम रिमूव मैथड को 3 बार कॉल करेंगे और उसका जो ग्रीन कलर है उसके लिए 3 बार उसको कॉल कर रहे हैं। एज द कलर ग्रीन अक्योर ओनली ट्वाइस इन द लिस्ट वी गेट द वैल्यू एरर एट द थर्ड टाइम। जो कलर हमने ग्रीन लिया है ये लिस्ट के अंदर ओनली ट्वाइस ट्वाइस है या 2 टाइम्स है, जब हम इसको थर्ड टाइम इसको जब कॉल करेंगे तो ये वैल्यू एरर देगा। जैसे ये कलर एक लिस्ट ले लिया, इसमें हमने डिफरेंट कलर्स को पास कर दिया, ये लिस्ट के एलिमेंट है, इसमें जो ग्रीन है वो 2 टाइम्स में रिपीट हुआ है। अब हम सबसे पहले कलर डॉट रिमूव मेथड को कॉल करते हैं और उसको ग्रीन इसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं, तो ये जब इसको जब रिमूव करेंगे तो ये जब लिस्ट की स्टार्टिंग होती है जो फर्स्ट में जो फर्स्ट ऑक्यरेंस में जो उसको वैल्यू मिल जाएगी वो उसको रिमूव कर देगा। अब इसको हमने मेथड को डिस्प्ले करते हैं, इस कलर्स को हमने जो लिस्ट पास किया इसको डिस्प्ले करेंगे। जब इसको इसका आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो ये डिस्प्ले कर देगा, जैसे रेड और ब्लू के बीच में ग्रीन था उसको रिमूव कर दिया है। फिर अगेन हम कलर्स डॉट रिमूव मेथड को कॉल करेंगे, फिर अगेन उसमें पैरामीटर पास करेंगे ग्रीन। तो अब ये जो इसके बाद जो ग्रीन है, ग्रीन कलर जो वैल्यू है
उसको इसमें से रिमूव करेगा। जब इसको आप डिस्प्ले करेंगे तो इसका आउटपुट होगा रेड ब्लू एंड येलो, इसने उस ग्रीन को इसमें से रिमूव कर दिया है। अब अगेन हम जो हमारे पास कलर है उसमें जो लिस्ट है उसमें ग्रीन वैल्यू नहीं है, लेकिन हम उसको फिर भी अगेन रिमूव करते हैं। कलर्स डॉट रिमूव ग्रीन वैल्यू हमने पास कर दिया। तो जब आप इसका आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो ये हमको वैल्यू एरर डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि वो जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट आपने ग्रीन पास किया वो उस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। द फाइंड द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए लिस्ट, जो लिस्ट है लिस्ट के एलिमेंट की पोजिशन हम फाइंड करेंगे। द मेथड इंडेक्स कैन बी यूज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ एलिमेंट विद इन ए लिस्ट। जो मेथड हम इंडेक्स यूज करते हैं, इंडेक्स के द्वारा हम जो लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं उसकी पोजिशन को फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे पास कर दिया एस डॉट इंडेक्स, यहाँ पे फिर पैरामीटर पास किया, उसके अंदर भी सब पैरामीटर पास किए, इस तरह से इसमें पैरामीटर पास किए हैं। इट रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू एक्स, ये जो एक्स जो वैल्यू है ना, जो आपने इसमें जो वैल्यू पास की है उसका फर्स्ट इंडेक्स उसको डिस्प्ले करेगा। ए वैल्यू एरर विल बी राइज्ड इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, इसमें वैल्यू एरर आएगी अगर वो वैल्यू उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। इफ द ऑप्शनल पैरामीटर आई इज गिवन द सर्च विल स्टार्ट एट द इंडेक्स आई, इफ जे इज ऑल्सो गिवन द सर्च विल बी स्टॉप एट पोजिशन। अगर हमको ऑप्शनल पैरामीटर आई को दिया हुआ है इसमें और हम इसको सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आई से इसके इंडेक्स से सर्च स्टार्ट करते हैं और उसमें कोई जे एलिमेंट भी इसमें दिया हुआ है, तो ये जो आई से स्टार्ट करेगा और उसके जो जे पे जाके उसको एंड कर देगा, उसके सर्चिंग को एंड कर देगा। जैसे यहाँ पे लिया है कलर, एक लिस्ट ले लिया हमने, इसके अंदर हमने इसके एलिमेंट पास कर दिए। अब कलर डॉट इंडेक्स हमने पास किया, उसमें ग्रीन हमने उसकी वैल्यू पास कर दी है। तो जब आप इसको पास करेंगे तो इसको एलिमेंट को सर्च करेगा और उसकी पोजीशन को रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 0 से होगी और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ग्रीन है, तो रिटर्न हो गया 1। फिर सेकेंड लिया हमने कलर्स डॉट इंडेक्स ग्रीन, अब यहाँ पे हमने इसके साथ में इसकी जो वैल्यू है वो भी पास कर दी, जो वैल्यू वैल्यू पास की है 2। तो जब इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा तो जो हमारा ग्रीन है जो सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा था वो थर्ड पोजिशन के ऊपर था, तो उसकी जो लोकेशन है जो उसकी इंडेक्स पोजिशन है वो 3 रिटर्न कर दिया। फिर हमने यहाँ पे पास किया कलर्स डॉट इंडेक्स ग्रीन 3,4, इसको पास किया। तो जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो इसकी वैल्यू भी अगेन ये पास कर देगा। ये सबसे पहले ये आई एलिमेंट हो गया और ये जे एलिमेंट, मतलब इसको जो आई एलिमेंट पे भी सर्च कर से भी पोजिशन पे भी सर्च करेगा और जे एलिमेंट पे भी इसको सर्च करेगा। अब इसमें पास किया कलर्स डॉट इंडेक्स, इसमें पास कर दिया ब्लैक जो कि हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, और जब इसको आप डिस्प्ले करेंगे या इसको जब इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी तो ये उसका जो है एरर डिस्प्ले करेगा, ये आएगा ट्रैक ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट टू कॉल लास्ट, इसमें ये जो है इसको वो क्या, तो ये एरर इसको डिस्प्ले कर देगा, ये भी इसके वैल्यू एरर को डिस्प्ले कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पाइथन से रिलेटेड और भी कोई आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। अगर आपको आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी क्वेरी भी उसमें पुट अप कर सकते हैं, साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।